नमस्कार। तो आज आपके हम एनसीसी लिमिटेड स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। एनसीसी की बात की जाए तो स्टॉक में मोमेंटम जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे आप देख रहे कि फ्राइडे के दिन वोलेटिलिटी नज़र आई थी, वॉल्यूम्स इंप्रूव होने लगे और आने वाला वीक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है मार्केट के लिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाले। तो आपके एडवाइजर और एनालिस्ट को पूछ कर आप कोई भी डिसीजन और ट्रेडिंग करते हो तो आपके एनालिस्ट से पूछ कर कर लेना, क्योंकि काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हम लोगों को मार्केट में देखने को मिल सकते हैं आने वाले वीक के अंदर। तो मोस्ट प्रोबेबली ये देख सकते कि तकरीबन एग्जिट पोल सारे, इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है वीक में, तो थोड़ी से वॉल्यूम्स बढ़ने के चांसेस है। एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर रहे हैं और पीएम मोदी फिर से थर्ड टाइम हैट्रिक टाइम जो है प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो ये जो एक पॉजिटिव चांस है। तो पीएम मोदी जो है मार्केट को लेके काफ़ी पॉजिटिव रहे थे, तो इसके कारण जो मार्केट में थोड़े से जो है पीएसयू स्टॉक को लेके जो है पॉजिटिविटी आने को देखने को चांसेस मिलेंगे और जो ब्रेकआउट मिलने के चांसेस भी बन सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से स्टॉक जो है 290 के करीबन जो है रेजिस्टेंस लेके सस्टेन है। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ते तो एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकते हैं स्टॉक के अंदर और यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने को भी चांसेस बनेंगे 300 लेवल पे अगर गवर्नमेंट स्टेबल रहती है तो।